हमने शुरू किया था क्लास 9 साइंस से हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 है, और आज हम देखने जा रहे हैं इससे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो सारी चीजों के बारे में जो भी मेंशनड है पेज नंबर 181 to 183। बाय द वे माय डियर सुपर लर्नर्स, इस चैनल पे हम ये सारे चैप्टर्स भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सारे चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर का नोट आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। और अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे लर्नर्स, आज तुम्हें थोड़ा सा सेटअप में बदलाव दिख रहा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये कैसा लगा एंड पिछले वाले पे आपको क्या कहना है एंड दोनों में से क्या बेटर है, प्लीज बता देना, फिर अकॉर्डिंगली आगे के वीडियोस रिकॉर्ड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए। डीएनए का अगर मैं फुल फॉर्म बताने जाऊं तो वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं, जो हमारा क्रोमोसोम था। हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था कि हमारा सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है हमें क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर लपेटा होता है डीएनए। हर एक क्रोमोसोम पे अलग प्रकार का डीएनए होता है, अच्छे से समझेंगे। क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो मेनली डीएनए से बना होता है। आपको डीएनए का फुल फॉर्म ऊपर दिख रहा होगा। और अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर हुआ था जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक, वो पढ़ रहे थे व्हाइट ब्लड सेल्स को, इसीलिए इसको कह दिया गया कि एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस में पाया गया था। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, इट वॉज लेटर रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ओनली लाइक इट इज नॉट प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये कुछ और पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है सेल के, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो बात पहले माना जाता था कि ये खाली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो पूरा सच नहीं है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। मूविंग फर्दर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, इन सबके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो डीएनए है वो ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में कि ग्रोथ और सेल डिवीजन को, बहुत सारे और फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, आप पढ़ोगे क्लास 10 में पहला चैप्टर ऑफ साइंस 2, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें भी हेरिडिटी है। अब देखो, हमारा जो डीएनए है वो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल कर रहा है। दैट्स द रीजन कि हम इसको मास्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो देखो डीएनए जो होता है तुम्हारा, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर उनके हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो सभी के अंदर सेम होता है। अब देखो, ये दो साइंटिस्ट जिनका नाम था वैटसन एंड क्रिक, इन 1953 इन्होंने प्रोड्यूस किया था, मतलब दिया था डीएनए का मॉडल। इनका जो डीएनए का मॉडल था वो बना हुआ था, डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ बेसिकली पेंटोस सुगर। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एस, ये पेंटागॉन है, और ये है पेंटोस सुगर जिससे ये बना हुआ था, एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब यही चीज बार बार रिपीट होता है और तुम्हारा बैकबोन बनता है डीएनए का। बच्चों, अगर मैं बात करूं दूसरे साइड, तो दूसरा साइड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री साइड होता है, मतलब इसका उल्टा। तुम देखो, अगर वहां पे पेंटोस सुगर ऊपर रहेगा, मतलब ऐसे मान लो कि एक तरफ 5' है और एक तरफ 3 है, मतलब ऊपर 5 है और नीचे 3 है, तो इस तरफ नीचे 3 होगा, ऊपर 5 होगा, मतलब उल्टा, 5 3, वहां पे 3 5। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? Which forms two complementary strand. देखो, हर एक पेंटोस सुगर एक प्रकार के नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होगा। At the side of the strand, every sugar is attached to a nitrogen base. अब ये जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। These are adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine को हम लोग A से represent करते हैं, guanine को हम लोग G से represent करते हैं, cytosine को capital C and thymine capital T. Students, अब ये जो एडेनिन और गोनिन होता है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसको हम प्यूरिन्स बुलाते हैं, एंड जो साइटोसिन और थाइमिन होता है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसको हम पायरामिडिन्स बुलाते हैं। मूविंग फॉर द स्टूडेंट्स, इस तरीके से अंदर की तरफ से एक डीएनए का मॉलिक्यूल या फिर एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा ए है वो टी के साथ पेयर कर रहा है, मगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और हमेशा ए विल पेयर विद टी, एडेनिन विल पेयर विद
थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली जो गोनीन है वो पेयर कर रहा है साइटोसिन के साथ, लेकिन वो पेयर कर रहा है थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। इस बात को याद रखना स्टूडेंट्स। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तुम्हें शुगर दिख रहा है और उसके आगे एक नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, जैसे ए एस के साथ जी, पेंटोस शुगर के साथ एस के साथ सी, एस के साथ टी दिख रहा है। इन दोनों को साथ में बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड मतलब एस ए और उसके नीचे वाला पी को अगर मैं ले लेते हैं, मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, अगर मैं इनको ले लेता हूं तो ये बन जाता है मेरा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ये बात को याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एज द डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, अब देखो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड खुद को रिपीट कर रहा है, एस पी ए, एस पी जी, एस पी सी, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड वाला चेन। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक स्ट्रैंड डीएनए का और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का, दोनों एक दूसरे में कॉइल्ड है। टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और एक मतलब हेलिक्स मतलब स्प्रिंग की तरह। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी को तुम इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हो तो तुम्हें एक डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों जीन के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए लपेटा होता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, हर क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। और मैंने ये बोला था अलग डीएनए होता है, दैट वाज रॉन्ग, स्टार्टिंग में मुझसे गलती से मैंने बोल दिया कि अलग डीएनए होता है, मैं बोलना चाह रहा था हर एक क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है। तो प्लीज, डीएनए इंसान के अंदर बदलता नहीं है। लेट्स गो फर्दर। जीन जो है वो क्या है, तुम्हारा सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज जीन। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और उसका मैं एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लेता हूं, तो उस छोटे से टुकड़े को मैं क्या बोलूंगा, बड़े से डीएनए से छोटा सा टुकड़ा ले लिया तो मैं उसको मैं जीन बुलाऊंगा। अब जो जीन होता है ना, जीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे पूरी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होगा वो कंट्रोल करने वाला हमारा जीन होता है। जीन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो भी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो भी हमने लेक्चर वन में पढ़ा था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सब ट्रांसफर कौन करता है, जीन करता है। हेंस दे आर सेड टू बी द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। तो जीन इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो अगर तुमसे कोई सवाल पूछता है व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो तुम बोलोगे जीन। एंड व्हाट इज जीन, जीन इज बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर? मूविंग फर्दर बच्चों, दैट इज व्हाई मेनी सिमिलैरिटीज आर सीन बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। तो अगर पेरेंट्स के मुकाबले अगर ऑफस्प्रिंग को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और मेरे पापा एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ और बहुत सारे, जैसे हेयर की स्ट्रक्चर हो सकता है, हाइट हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, आंखें, नाक, ओठ, मतलब लिप्स, ये सारे में ना कुछ सिमिलैरिटी दिखेंगी और कुछ डिफरेंसेस भी दिख सकते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज दिखती है ना, वो जीन से ट्रांसफर होता है। मूविंग फर्दर बच्चों, अगर मैं जीन के बारे में बात करूं तो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, नाउ व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस, तुम्हारे बॉडी में किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 10 के चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर है साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें तीन स्टेप होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। हम ये क्लास 10 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो भी हमारे जीन्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन द डैश माइटोकॉन्ड्रिया, जीन्स, गोल्की बॉडीज या प्लास्टिड। आपको नीचे कमेंट्स में आंसर देना है। थाइमिन बाय डैश हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट्स में देना है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, वैटसन एंड क्रिक प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ डैश मॉलिक्यूल। अब आपका इसका भी आंसर ए आरएनए, बी डीएनए, सी बोथ या डी नन, आपको नीचे कमेंट्स में देना है। आई रियली होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। हे लर्नर्स, मैं जब छोटा था तो मुझे हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला और अच्छे से सपोर्ट करके रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। फिर भी मैं यहां तक आया हूं और मैंने काफी गलतियां करी हैं, काफी सारे पैसे गवाए हैं और काफी सारी ऐसी जगह पे पैसे गवाए हैं जहां पे मुझे गवाना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट बात खाली पैसों की नहीं है, कभी जब मुझे कुछ स्टडी प्लान बना के चाहिए होता था या फिर मुझे कुछ डाउट होता था, मतलब दुविधा होता है ना ये करूं कि ये करूं, तो मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे लर्नर्स को ऐसी कोई भी तकलीफ हो।
तो आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एंड आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ देने के लिए मैंने कुछ सोचा और मैंने बनाया माय पर्सनल मेंबरशिप। पर्सनल मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, इसके जो बेनिफिट्स है वो है कि आप सबके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, दो नंबर है मेरे पास, दोनों ही आपके पास होंगे। आपको मैं हेल्प करूंगा डेडिकेटेड प्लान बनाने में, जी हाँ, आपके लिए डेडिकेटेड स्टडी प्लान बनाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको मैं करियर गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से अपने करियर को आगे प्लान करना है। आई विल नॉट से यू कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए या फिर पायलट बनना चाहिए, बट तुम जो भी चीजें बताओगे उसके हिसाब से जो भी रास्ते होते हैं किस तरीके से किस चीज को अचीव करना है वो बतानी मेरी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कस करूंगा आपके सारे प्रॉब्लम्स पे। जब भी आपका कॉल आएगा तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट मिलेगा कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके साथ नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं प्रॉमिसेस कम कर रहा हूं लेकिन इससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। मैं स्टडी रिलेटेड डाउट ज्यादा आपके सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही सोचो इट इज पॉसिबल कि मैं सारे स्टडी रिलेटेड डाउट आपके सॉल्व कर दूं? नहीं। इसलिए तो ये यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम सोचोगे कि भैया इसका पैसा कितना है, तो इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल। एक साल का मात्र आपको 99 रुपीज देना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला गया है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लिख करके, वहां पे आपको ये कोड डालना है विनर WINER 199 से सीधे वो 99 हो जाएगा, 100 रुपीज का डिस्काउंट है। और स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए ये एक साल तक 99 है, बाद में ये 99 रुपीज नहीं रहेगा। मैंने कुछ स्टार्टिंग के कुछ नंबर सोचा है दिमाग में, वहीं तक ये बच्चों के लिए होगा। अभी मैं वो नंबर रिवील नहीं करूंगा, अभी भी सीट्स बाकी है 100-150, तो आप फट से एक्शन ले सकते हो। लेट्स मूव फॉर द स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, हमारा जो जीन होता है उसका एक सिक्वेंस होता है, हर एक इंसान के DNA में उस जीन का सिक्वेंस अलग होता है। तो अगर हमें उस जीन के सीक्वेंस के बारे में पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि ये DNA किसका है मैच करके। आपने CID तो देखा ही होगा, द सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन द DNA ऑफ अ पर्सन सच दैट द जीनोम ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड। तो अगर आपका DNA हमारे पास होगा तो DNA से हम आपके जीनोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जीनोम मतलब सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन द DNA। इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द लाइनेज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मतलब मान लो कि मैं, मेरे पापा, पापा के पापा, दादा, फिर उनके पापा पर दादा, इसको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ कभी कभी तुमने CID देखा होगा ना, किसी ने कोई क्राइम किया होता है और हमें उसका बाल मिल जाता है या नाखून मिल जाता है या फिर कोई भी चीज, कोई भी बॉडी का पार्ट मिल जाता है, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि ये सामने वाला यही इंसान था। तो इस चीज के लिए भी हेल्प करता है हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग। लेट्स मूव फर्दर। आपको मैं शेयर करना चाहता हूं अबाउट अनअकैडमी प्रोडिजी, जो एक प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका पुल टोटल 10 करोड़ रुपीज का है। ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के उन बच्चों के लिए जो मेडिकल और जेई नीट या फिर जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स है वो रैंक 1 के लिए मैकबुक एयर है, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल आईफोन, रैंक 4 और 5 के लिए एप्पल आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजोन इको डॉट, और आगे के 41 to 100 के बच्चों के लिए अमेजोन वाउचर्स है। साथ ही साथ आप नीचे स्कॉलरशिप स्लैब देख सकते हो कि वो 100%, 75%, 50%, 25% एंड 15% स्कॉलरशिप स्लैब्स है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस रैंक पे आते हो। तो 1 to 500 वाले बच्चों को स्कॉलरशिप ग्रांट दिया जाएगा up to 20 lakh rupees, मतलब कॉलेज ग्रांट। अभी इसमें बहुत सारे टेस्ट हुए थे, 4 टेस्ट हुए थे। Test 1 23 को हो चुका है, Test 2 29 को हो चुका है, Test 3 5 6 को हो चुका है, और Test 4 अभी बाकी है, जहां पे आप ये अमेजिंग रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप जीत सकते हो, दैट इज ऑन Feb 13। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए होने वाला है 12 बजे। आपको सारा टाइम टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं काफी सारे फ्री क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे, तो आप उन फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यू हैव टू यूज अ कोड SJSUPER10 टू इनरोल इन द प्रोडिजी एज वेल एज मेरे फ्री क्लास को एक्सेस करने के लिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, जब इनवाइट कोड पूछा जाएगा तो SJSUPER10 डाल देना। प्रोडिजी का लिंक और मेरे फ्री क्लास को एक्सेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, और अगर तुम जीतोगे तो प्लीज आकर के नीचे कॉमेंट में बताना कि आपका रैंक क्या है। मूविंग फर्दर बच्चों, दिस इज द कोड SJSUPER10, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक एक्शन नाउ। बच्चों, DNA हमने पढ़ लिया, अब जो हमें पढ़ना है वो है RNA। देखो, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। पहला इंपॉर्टेंट एसिड कौन सा था? DNA था, उसके बाद RNA होता है। इट्स सरप्राइजिंग टू नो DNA से mRNA बनता है। 10th में पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज मेड अप ऑफ शुगर, जो कि DNA में भी था, फॉस्फेट,
बैकबोन, फॉस्फेट भी था डीएनए में, एंड फोर टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस भैया, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन. यस नो, इट्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, नॉट थाइमिन, इट्स यूरासिल. थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. भैया आपने तो कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, तो यहाँ पे तो थाइमिन है ही नहीं, तो यहाँ पे पेयर ही नहीं बनेगा. तो जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंड वाला नहीं होता है. तो न्यूक्लियोटाइड जो कि शुगर वाला, फॉस्फेट वाला और नाइट्रोजन बेस है, ये तीनों को जो मिला के बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ आरएनए, और ये खुद को बार बार रिपीट करता है. और बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको मिलता है आरएनए का एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, याद रखना. मूविंग फर्दर बच्चों, अगर मैं आरएनए की बात करूं तो बेस्ट ऑफ द फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. पहला वाला है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम स्मॉल आर और बड़ा आरएनए लिख करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर आरएनए. तो ये जो आर आरएनए होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम ऑर्गेनेल. तो जब तुमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा राइबोसोम के बारे में. तो राइबोसोम के अंदर होता है आर आरएनए, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है ना, जो प्रोटीन बनाने का, जिसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ोगे, वो आर आरएनए परफॉर्म करता है. उसके अलावा बच्चों अगला जो है वो है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एम आरएनए कहते हैं. एम छोटा है, आरएनए बड़ा है, तुम देख सकते हो. एम आरएनए जो है, द आरएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है मैसेंजर आरएनए. तो ये क्या करता है, कैरी करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन्स. तो जीन्स से मैसेज को कैरी कर रहा है ये, सच दैट, ध्यान से सुनना, डीएनए चेन इज द इन द सेल न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूसेस द प्रोटीन इन कॉल्ड मैसेंजर आरएनए. मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूं, देखो अगर तुम्हें समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं. देखो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर लपेटा हुआ है डीएनए. अब अगर मैं इस डीएनए का एक टुकड़ा लेता हूं तो उसको बोलते हैं जीन. अब इस जीन, मान लो कि डीएनए डबल स्ट्रक्चर है ऐसे, वो खुलता है और उसके अंदर जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग होते हैं, और सिंपली वहां पे क्या आ जाता है, एक स्ट्रैंड पे थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है. क्या क्या होता है वो सब अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ते, और वो चीज अलग हो जाता है. अब ये जो बना है वो एमआरएनए है, उसके ऊपर मैसेज है डीएनए का, और ये जो एमआरएनए है ये जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर होते हुए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है. अब ये सारी चीजें आप 10 में पढ़ोगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लाइन यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा है आपको बस वही याद रखना. तीसरा जो हमारा है वो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए. इसका भी नाम से ही काम समझ में आता है, ये ट्रांसफर करेगा किसको, अमीनो एसिड को लेके जाएगा एमआरएनए के ऊपर कि कौन सा बनाना है. देखो अब यहाँ पे द आरएनए मॉलिक्यूल विच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ एमआरएनए, तो जो भी मैसेज है एमआरएनए के ऊपर, कैरीज द अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड को कैरी करेगा अप टू द राइबोसोम, राइबोसोम में, इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए. अच्छा राइबोसोम में कौन था, आरआरएनए था, सिंपल है. यहीं तक डीएनए और आरएनए वाली सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. प्लीज इनका एक नोट ले लेना, सारे नोट्स और सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो उसको ज्वाइन कर लेना. बच्चों अगर तुमने यहां तक देखा तो प्लीज लाइक बटन दबा देना और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर दो इन सारे वीडियोस को. डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक है, 1-2 जितने भी मैंने क्लास 9 के पढ़ाए हैं, तो आप हमेशा पढ़ सकते हैं यहां से. साथ ही साथ बच्चों हमारा एक चैनल है SJ Talks, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना. कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए, इनमें से कौन सा आरएनए का टाइप नहीं है आपको नीचे कॉमेंट्स में बताना. चीटिंग करूं मैं, अरे छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं. पांचवा, आरएनए हैज डैश इंस्टेड ऑफ थाइमिन, आरएनए के पास क्या होता है थाइमिन के जगह पे. छठा क्वेश्चन है, डैश इज द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड इन द सेल, ऑफकोर्स तुम्हें इसका आंसर पता होगा. नीचे कमेंट में एक चीज और लिखना कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, ऐसा लिख देना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड डैश जो भी है, ठीक है. तो आई रियली होप कि तुम्हें सारी चीजें क्लियर है. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो. हमारा चैनल है SJ Talk, उसका मैंने नीचे पिन कर दिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में रहेगा. इजी लर्निंग वाले चैनल पे हम 10th स्टैंडर्ड के लिए लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, तो अभी से अगर आप अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा एज कम्पेयर टू द होल कॉम्पिटिशन जो भी मार्केट में घूम रहा है, जो भी बच्चे हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब अवर टू अदर चैनल, इजी लर्निंग एंड SJ Talks. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज का ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, जहाँ पे मैं थोड़ा साइड में खड़ा हूँ, और एक दिन मैं तुम्हें अपने जो भी जैसे भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको भी दिखा दूंगा, तो तुम बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा. थैंक यू सो मच. पर्सनल मेंटरशिप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, लिमिटेड सीट है. हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग.